ओके, गुड आफ्टरनून. सो टुडे इज योर ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्लास फॉर सीएमए इंटर. आई होप यू नो हाउ मच मार्क्स इट विल बी आस्क्ड इन एग्जाम. 70%, 70 मार्क्स, करेक्ट. सो यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर 70 मार्क्स. एंड व्हाट इज इट्स बेटर हाफ? इसका एक और बेटर हाफ है ना, इसके साथ कौन आता है एग्जाम में? SM आता है. कितना मार्क के लिए? 30 मार्क के लिए आता है. आपको क्या लगता है, जैसे ये सब्जेक्ट हार्ड है कि इजी है? सुना है क्या बाजार में? खबर नहीं लेके आते हैं, कहीं जाते हैं तो उसके बारे में पता नहीं करके जाते हैं. हाँ, स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे तो पता करके जाएंगे ना स्विट्जरलैंड में क्या क्या है. सीधा बस टिकट कटा के जाके वहीं पर सरप्राइज होगा, कुछ तो पता करेंगे. कुछ सुना है सीनियर से, कुछ पता चला है? कैसा है सब्जेक्ट? इजी है. अच्छा, इसमें कितना मार्क्स आ सकता है एक स्टूडेंट का? हाँ, चिटिंग करके बोल रहे तुम. हाँ, कितना मार्क्स आ सकता है? ऐसे क्या लगता है आपको, क्या लगता है इसमें कितना मार्क्स आ सकता है एक स्टूडेंट का OMSM में? 70-80 आ सकता है. अच्छा, अबव 60 आ सकता है. मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको एग्जेम्पशन स्कोर करते हैं. हाँ, SJC वाले तो करते ही हैं, ये पक्की बात है. मतलब आपको लास्ट दो टर्म का मैं रिपोर्ट दिखा देता हूँ. बेसिकली इसी टर्म का ही आपको, जून 19 टर्म में जो स्टूडेंट का रिजल्ट आया था. सो वन स्टूडेंट स्कोर्ड हाउ मेनी मार्क्स कैन यू सी? 88. इट्स नॉट अ जोक. ओके, 88 हम लोग स्कूल में देखते थे ऐसा मार्क्स कभी. ये सब CMA वगैरह कोर्स में कोई 80-80 मार्क्स आता है? बट इट इज पॉसिबल. एंड इट्स नॉट दैट दिस स्टूडेंट वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, अ स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज और समथिंग, और हुआ स्कोर्ड 90% प्लस मार्क्स ऑलवेज इन कॉमर्स. ऐसा नहीं है. एवरेज स्टूडेंट, एवरेज मतलब आई विल से बिलो एवरेज स्टूडेंट, ही स्कोर्ड 88 मार्क्स. सो इट्स हिज एक्सपीरियंस वॉट ही हैज रिटन. हार्ड वर्क पेज ऑफ. वॉट ही डिड वॉज ही हैज रिवाइज एवरीथिंग 3 times. सो इफ यू डोंट डू दिस यू वॉन्ट बी एबल टू स्कोर. हार्ड वर्क कैन एक्चुअली गिव यू अनइमेजिनेबल स्कोर. अनदर स्टूडेंट अगेन द सेम सिचुएशन, स्टूडेंट फ्रॉम अ विलेज, नो ट्रांसपोर्ट इज देयर इन हिज विलेज. ओके, हाउ मच ही स्कोर्ड? 85. एंड हाउ मेनी टाइम्स ही ऑल्सो रिवाइज्ड? देखो ये मैंने लिखा है बट उसका पढ़ के लिखा है कि हैंड राइटिंग आपको नहीं समझ में आए तो. और ये दोनों स्टूडेंट एक दूसरे को नहीं जानते थे. एक सीक्रेट फॉर्मूला निकल गया. ये अलग दिन सर के पास मिलने आया, सर मैं ऐसे ऐसे मार्क्स स्कोर के आपसे पढ़ा. वो अलग दिन मिलने आया, मैंने दोनों को बोला मुझे लिख के दो. तो दोनों ने कॉमन चीज क्या लिखा, एकदम देख लो आपके सामने है फॉर्मूला. ओके, एंड ये जो मैट है, ये मैट हमने जब बनाया आपके लिए, ये बहुत सोच समझ के बनाया. आपका इंस्टीट्यूट मैट का कंटेंट को तोड़ दिया अपने हिसाब से. आप अपने इंस्टीट्यूट मैट में जाओगे तो यू वॉन्ट फाइंड दिस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ऑल देयर. इवन द चैप्टर नेम्स विल नॉट बी सेम. ये सब चैप्टर नेम हमने अपने हिसाब से बनाया जिससे आपको ये सब्जेक्ट बहुत आसान लगना चाहिए. ठीक है, पार्ट 1 में सारा प्रैक्टिकल है, पार्ट 2 में सारा थ्योरी है. ये थ्योरी एक समरी नोट्स है जो हमारे एक स्टूडेंट ने अपने लिए बनाया था रिवीजन करने के लिए. जब वो पास हो गए तो उन्होंने हमें दे दिया कि सर अगर इससे आप और भी स्टूडेंट को हेल्प कर दे तो हमने उसको अपने मैट का पार्ट बना दिया. ठीक है, समरी नोट्स है. और पार्ट 3 में क्या है, देखिए, पास पेपर्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है.
पास पेपर जून 17 ऑनवर्ड्स डाल दिया गया इसमें, ठीक है। मतलब इस मैट में जितना है सब कुछ तीन बार पढ़ना होगा, एक बार मेरे साथ होगा उसके बाद तीन बार और। तो यू कैन ऑल्सो सी दिस काइंड ऑफ मार्क्स, इट इज पॉसिबल। मतलब वर्स्ट सिनेरियो में आपका 60 तो आना ही आना है। मतलब ऑफकोर्स उसमें अज्यूम करें कि एस एम भी आप उतना ही अच्छा से पढ़ेंगे जितना कि ओ एम पढ़ेंगे, राइट। सो ये कंटेंट आपको जो दिखाया जा रहा है, आप ये कंटेंट को इंस्टीट्यूट मैट में चैप्टर वन में पहला ये देखोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कंटेंट हमने ऐसा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है। सो आपको अगर कभी इंस्टीट्यूट मैट में जाके फोरकास्टिंग देखना हो ना, तो सजेस्ट करूंगा फॉर द टाइम बिंग, जब तक पूरा कोर्स खत्म नहीं होता, तो आप क्या करोगे, पीडीएफ आता है ना इंस्टीट्यूट साइट से, वो पीडीएफ में सर्च करके मिल जाएगा। पीडीएफ में सर्च करना तो पता ही होगा, मोबाइल में डाउनलोड करके आप सर्च कर सकते हैं। वो सर्च करने से आपको सब मिल जाएगा, जो भी मैंने लिखा हुआ है हर चीज वहां पे मिलेगा, ठीक है। ओके, तो हमारा पढ़ने का तरीका यही है कि चैप्टर वन से हम लोग शुरू करेंगे, लाइन बाय लाइन चलाते चलेंगे, ठीक है। हुआ तो कभी बीच में एक दो चैप्टर आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसा जरूरत लगा। ओके, और थ्योरी सारा का सारा कोर्स के एंड में पढ़ेंगे, थ्योरी बीच में नहीं पढ़ेंगे। पहले सारा प्रैक्टिकल खत्म होगा फिर थ्योरी आएगा। एग्जाम में 70 में कम से कम 40% पेपर थ्योरी रहेगा और 60% प्रैक्टिकल रहेगा। 40% थ्योरी रहेगा, 60% प्रैक्टिकल रहेगा। जो भी आएगा वो इस मैट के अंदर से आ जाना चाहिए, अज्यूम करते हैं। अभी तक तो आया ही है, तो आपका टर्म में भी आ ही जाना चाहिए कि अभी तक आते रहा है। ओके, और प्रैक्टिकल में सिलेबस में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, थ्योरी में वेटेज ज़्यादा है, टाइम कम लगता है। तो इसका मतलब एग्जाम के लिए पहले क्या पढ़ोगे, प्रैक्टिकल की थ्योरी? वो आपका मन में हमेशा यही रहता है कि प्रैक्टिकल पहले पढ़े, ठीक है। थ्योरी करने में समय कम लगता है और मार्क्स ज्यादा आता है, पहले थ्योरी पढ़ना चाहिए। जो बच्चे थ्योरी स्किप कर जाते हैं ना, उनका ये मार्क्स नहीं आ सकता। ये जो मार्क्स है ये तभी आ सकता है जब आपने थ्योरी पे भी उतना इंपॉर्टेंस दिया। अच्छा, और एक चीज आपको पता है क्या, जैसे अगर हम मैट के एंड में चले आते हैं, लास्ट पेज में आ जाओ, तो मैट का लास्ट पेज खोलो, तो यानी कि 2.64। ये देखिए, ये दिसंबर 19 का क्वेश्चन पेपर है। हालांकि क्वेश्चन पेपर तो सब एंड में देखते होंगे, हम आपको पहले ही दिखा दे रहे हैं कि आपकी मंजिल ये है, क्वेश्चन पेपर ये है, इसी को फेस करना अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में जाके। सेक्शन ए बोल के आएगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट। थोड़ा पैटर्न देखिए पेपर का, क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर, कितना मार्क का है, 10 मार्क का। सब थ्योरी दिख रहा है कि प्रैक्टिकल दिख रहा है, थोड़ा समझिए तो। सब थ्योरी है, पूरा थ्योरी है। फिर ये कितना मार्क का आया, 6 मार्क का। क्या है, पूरा प्रैक्टिकल की थ्योरी है, थ्योरी है, तो 16 मार्क पूरा थ्योरी। ये 6 मार्क का ट्रू फॉल्स क्या दिख रहा है, ये भी थ्योरी है, 22 मार्क पूरा थ्योरी, ठीक। उसके बाद फिर ये 7 मार्क का और थ्योरी। ओके, मतलब पेपर पैटर्न थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको कि दिसंबर 19 में क्या क्या हुआ था। ऑब्जेक्टिव पूरा थ्योरी से ही आया था, कितना मार्क का, 22 मार्क का, और हर समय आता है, कभी कभी कोई रेयर केस में 1-2 मार्क का उसमें प्रैक्टिकल जैसा कुछ घुस जाएगा। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, आंसर एनी 3, ठीक है, आउट ऑफ कितना क्वेश्चन, 1-2-3-4, नहीं नहीं 5 नहीं, 2-3-4-5 मिला के
चार क्वेश्चन है, चार में से तीन करना है. मतलब पेपर इज सेट फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स. पेपर 16 इंटू चार 64 का सेट हुआ हुआ है. यहाँ पे 16 इंटू फोर क्वेश्चन हो गए ना. अटेम्प्ट थ्री करना है, बट क्वेश्चन सेट हुआ हुआ है 16 इंटू फोर 64 का, तो 16 मार्क का एक्स्ट्रा पेपर सेट हुआ हुआ है. इसमें भी थ्योरी प्रैक्टिकल देखिए, ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है, फिर ये थ्योरी है. कितना मार्क का? तीन. थ्योरी गिनते रहना, कितना मार्क आ रहा है? 7, 3, 10. ये प्रैक्टिकल है, फिर प्रैक्टिकल है, फिर प्रैक्टिकल है, राइट? फिर प्रैक्टिकल है, फिर प्रैक्टिकल है. तो कितना मार्क का थ्योरी हो गया? और हाँ, 22 के साथ और अगर हम जोड़ दें थ्योरी, कितना मार्क का आ गया? 10. और थ्योरी आ गया आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में 10 मार्क का डिस्क्रिप्टिव में. और प्रैक्टिकल कितने मार्क का आया? 64 का पेपर सेट था ना. हाँ, 64 का सेट था, 64 का पेपर सेट था, तो 54. तो ओवरऑल अगर आप रेशियो देखोगे तो थ्योरी हो गया 32 और ये हो गया 54. तो 32:54 का अगर हम रेशियो बना देते हैं तो 32/86 37%. ठीक है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ 86 मार्क का पेपर जो सेट हुआ. करना आपको 70 का ही है, बट 86 में 32 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन है, मतलब 37.2%, जिसको मैं रफली कितना पकड़ा था? 40% थ्योरी है, आप ऐसा मान के चलिए. समझे क्या? इस बार का क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें प्रैक्टिकल थोड़ा सा ज्यादा था, कभी कभी एक आध क्वेश्चन उसमें भी थ्योरी बैठ जाता है. तो 40% थ्योरी मान के चलिए. थ्योरी पढ़ने में समय कम लगेगा, मार्क्स बहुत है, और पढ़ना बहुत स्ट्रेटेजिकली है. कैसे? सिलेबस के एंड में पढ़ना है पहला, अभी नहीं दिमाग लगाना. सिलेबस के एंड में पढ़ोगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ मालूम होता है. और 22 मार्क का आप देखिए उसमें ऑब्जेक्टिव है. तो ये ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करेंगे? हमारा मैट के एंड में आपको दिखाया ना मैंने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा दिया हुआ है. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना दिया हुआ है वो सारा पानी में डाल के मिला के पी जाने का है. उसका जितना क्वेश्चन है सब याद होना चाहिए, उसी में से ही सब आएगा. वो 22 का 22 मार्क पकड़ा देगा आपको, उसी में से ही सब आएगा. मतलब ऑब्जेक्टिव का मेरे तरफ से अलग से क्लास नहीं हो तो ध्यान रखिएगा. मैं तो सारा थ्योरी प्रैक्टिकल पढ़ा दिया, ऑब्जेक्टिव उसी का रिपीटेशन है. तो आपको अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में ऑब्जेक्टिव ऐसा तैयार करना है कि 22 में मेरे को 22 चाहिए. 20 आ गया तो मतलब नसीब खराब है, नहीं तो 22 में 22 चाहिए. जब ये सब बेंचमार्क अभी से सेट करके चलोगे तो आपका ठीक एग्जाम में नंबर आएगा. प्रैक्टिकल जितना भी आएगा 54 मान लेते हैं, पूरा का पूरा अपना मैट से ही है. जैसे ये दिसंबर 19 का भी जो पेपर है, हर एक क्वेश्चन इसी मैट से है. ठीक है, हर एक क्वेश्चन, एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ये वाला भी मतलब फिगर चेंज्ड है, कई कई तो फिगर भी चेंज सेम रह जाता है. तो अगर कोई बच्चा को थ्योरी नहीं आता था, जैसे वो 3A नहीं किया मान लो, ठीक है, तो 4 में क्या होता उसका? दोनों प्रैक्टिकल हो जाता. 5 में दोनों प्रैक्टिकल हो जाता, और 2 में उसको 7 मार्क का करना ही पड़ता. और अगर यहां पे आता तो थ्योरी 8 मार्क का करना पड़ता. मतलब 22+7 या 22+8, मतलब मजबूरी में 22 और 7 29, यानी 30 मार्क तक का थ्योरी उसको करना ही पड़ रहा है, मजबूरी है. 22 तो ऑब्जेक्टिव में चला गया और 7 से 8 मार्क का लिखना पड़ रहा है. ठीक है, तो 8 मार्क का उतना टेंशन नहीं लेगा. ये जो 8 मार्क का करना पड़ रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा आपके साथ एग्जाम अगर पेपर ट्रिकी सेट किया, यानी थ्योरी बेस सेट कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि ये हर क्वेश्चन में 8-8 मार्क का डाल देगा. जैसे 4 में भी डाल सकता था ये लोग, 5 में भी डाल सकता था जो नहीं डाला. ठीक है, मतलब जिस पेपर में आपको दिख गया कि ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ज्यादा आ गया, प्रैक्टिकल 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 प्रैक्टिकल, उसमें स्कोर करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गया. और यहां पे जैसी थ्योरी डाल देगा ना, उसमें थोड़ा एवरेज मार्किंग हो सकता आपका. ठीक है,
तो इसलिए ये वाला जो थ्योरीज है ना, इस पे बहुत ज्यादा समय हम लोग को भी नहीं लगता क्लास में करने में, हम लोग को भी नहीं लगता, और आपको भी कितना 15 मार्क तक का उसमें एफर्ट देना है। बट ये 22 मार्क का जो थ्योरी है, इसके लिए सारा ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से कर लेना है। दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ द पेपर। बाकी प्रैक्टिकल मेरे ऊपर छोड़ दीजिए पूरा, आपके ऊपर। मैं थ्योरी समझा दूंगा बट आपको स्ट्रेटेजी बता दिया पहला दिन ही कि क्या करना है। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ का जितना है, जितना मेरे मैट में दिया हुआ है, सब का सब करके जाना है। प्रैक्टिकल में स्कोर करने के लिए मैं एक बार कराऊंगा सारा कुछ, ठीक। कोई कोई चीज बहुत इजी होगा, कोई कोई चीज हार्ड भी होगा। थोड़ा हार्ड मतलब थोड़ा सा घर जाके समय देना होगा। तो मैं जो कराऊंगा वो करना ही है क्लास में। होमवर्क दूंगा, होमवर्क जरूर करिएगा। होमवर्क हर समय करना, मतलब किसी भी कारण से होमवर्क नहीं हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। होमवर्क इज मैंडेटरी। उसके बाद फिर मैं आपको मार्क करके दे दूंगा चैप्टर चैप्टर खत्म होने पे, कि पास पेपर में उस चैप्टर का कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। पास पेपर सेक्शन है ना अपने मैट में लास्ट में, तो उसमें पास पेपर में उस चैप्टर का कौन कौन सा क्वेश्चन है वो सब अलग से होमवर्क दे दूंगा। वो चैप्टर खत्म होने पे मिलेगा, उसको भी मेरे साथ साथ कर लेना, ठीक है। मेरे साथ पढ़ते पढ़ते क्या करना है, मेरा सारा सम करना है, मेरा होमवर्क करना है, और सर जो मार्क करके देंगे ना पास पेपर का क्वेश्चंस, उसको भी सॉल्व करना है। तब पढ़ाई का काउंटिंग आपका मानेंगे हम। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एक बार हो गया, आप ऐसा मान लेना। टोटल में 3 बार पढ़ना है, तो एक बार मैं इसको मानूंगा कब, जब मेरे साथ साथ होमवर्क भी किया और मेरे साथ साथ पास पेपर भी किया। अगर मेरे साथ होमवर्क और पास पेपर नहीं किया, तो मेरे साथ जो खाली क्लास किया, तो मैं समझूंगा आपने मेरे साथ नहीं पढ़ा। एक बार वो काउंटिंग नहीं हुआ। एक बार का काउंटिंग कब कंप्लीट होगा, मेरे साथ वाला होमवर्क और मेरे साथ वाला पास पेपर का क्वेश्चंस सब खत्म हो जाना चाहिए संग संग, ठीक है। तब एक बार मानूंगा। बाकी आपका एग्जाम का मंथ के पहले, एग्जाम मंथ जैसे समझ लीजिए आपका जून में, तो सारा कोर्स यूजुअली अप्रैल में खत्म हो जाता है हर जगह। तो मई मंथ पूरा फांका है, तो मई मंथ में आपको हर सब्जेक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा अपना मंथ का 30 डेज को। उस 30 डेज में जब इस सब्जेक्ट का टर्न आएगा, तो एक बार सारा सम में जो जो हार्ड हार्ड सम लगा होगा आपको, और जो जो ऑब्वियस क्वेश्चन भी लगा होगा कि बहुत इजी भी है, ऑब्वियस मतलब बहुत इजी क्वेश्चन भी है, उसको कुछ को तो रफ में करना, कैलकुलेटर में रफ में, और कुछ को जो बहुत टेक्निकल होगा, जो कैलकुलेटर में हो ही नहीं सकता है, उसको आप फेयर करके करोगे। उस समय स्पीड आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। करना सारा ही है, सारा का सारा। जैसे ये क्लास मेरा 30 से 40 क्लास में खत्म होगा सब्जेक्ट, वो 30 से 40 क्लास का पढ़ाई को आपको शायद 3 दिन में करना पड़े या 4 दिन में करना पड़े। ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना बड़ा चैलेंज है उधर, क्योंकि हर सब्जेक्ट को टाइम देना है ना वहां पे, तो कितना स्पीड में करना होगा, फोकस करके, स्पीड बढ़ा के, थोड़ा सा फास्ट लिखकर, प्रैक्टिस कॉपी बनाकर, 1 2 3 4 करके आपको वहां पे वो सारा सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद डे बिफोर एग्जाम पे आ जाओगे, तो जो डे बिफोर एग्जाम है उसमें जितना भी मैंने क्लास में नोट्स लिखा है, वो सारा नोट्स मेरा मैट में भी लिखा हुआ है, हर चैप्टर का बिगनिंग में। जैसे अगर आप कोई भी चैप्टर में आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर में आ गया, देखो हर चैप्टर का स्टार्टिंग में ना कुछ नोट्स लिखा हुआ है। ये नोट्स हम लोग क्लास में भी लिखते हैं बट सर का भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नोट्स सेक्शन आपको डे बिफोर एग्जाम 2 बार पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार, ये नोट सेक्शन सारा। और फिर जो जो कोई कोई सम ऐसा होगा जो आपको लगता होगा कि ये मेरे को थोड़ा सा वापस देखना पड़ेगा, उस समय ठीक से नहीं हुआ था, कब, जब 1 महीना पहले पढ़ रहे थे, तो वो सम को वापस देखोगे। सजेस्टेड ये रहता है कि आप हर क्वेश्चन को देख के उसको सॉल्व नहीं करके उसका प्रोसेस याद करो कि ऐसे ऐसे होता था,
प्रोसेस कि ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, स्टेप है, हो गया, फिर नेक्स्ट टर्म ये स्टेप है, ये स्टेप है, स्टेप है, हो गया, प्रोसेस याद करोगे तो डे बिफोर एग्जाम एक बार और पढ़ाई हो गया, से 3 बार पढ़ाई खत्म हुआ। मेरे साथ एक बार कब खत्म होगा? जब आप मेरे साथ साथ होमवर्क और पास पेपर खत्म करेंगे। सेकेंड टाइम मंथ बिफोर, जब आप सारा चीज को रिवाइज करेंगे, रिवाइज के समय सारा क्वेश्चन को या तो बहुत अच्छे से लिखकर या तो फिर रफ में लिखकर या कैलकुलेटर में करके सॉल्व करेंगे। और थर्ड टाइम कब होगा? एग्जाम के पहले वाले दिन, सारा नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके, हर क्वेश्चन को रीड करके उसका अप्रोच आपको क्लिक करना चाहिए। कुछ बहुत हार्ड समय जो हर समय फंसता है उसको सॉल्व करके देखेंगे। उतना करने से 2 बार पढ़ने का समय मिलता है, एक दिन में OMSM के साथ भी 2 बार पढ़ पाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ पाओगे, उतना समय नहीं लगता कि नहीं होता है। जब ये फॉलो करोगे आपका भी ऐसा मार्क्स आएगा ही आएगा। ओके, नाउ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट क्या लगता है आपको? इसमें 2 वर्ड तोड़ो, क्या है ये? ऑपरेशंस और मैनेजमेंट, प्यार से तो OM बुलाते हैं बट ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशन माने क्या हुआ? ऑपरेशन माने डे टू डे वर्क, वेरी गुड। ऑपरेशंस मतलब डे टू डे वर्क, मैनेजमेंट माने, मैनेजमेंट माने डे टू डे वर्क को मैनेज करना। मैनेज करना मतलब संभालना, संभालना मतलब इंश्योर करना कि जो हम चाहते हैं वैसा ही हो पाए। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल सोचो, थोड़ा सोचना शुरू करो। देखो सोचोगे तो सब्जेक्ट ज्यादा सीखोगे, रटने वाला कॉन्सेप्ट से बाहर आइए, क्योंकि अभी आप जो पढ़ते हैं ना मेजॉरिटी उसका एप्लीकेशन है, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है। हाँ, देखने को कब मिलेगा रियल वर्ल्ड में वो पता नहीं, बट आसपास से भी जोड़ सकते हैं, ये अपना पढ़ाई का भी फायदा है। रियल वर्ल्ड का जो जितना भी अभी जानकारी आपके पास है उससे आप अपना पढ़ाई को लिंक करके पढ़ सकते हैं। जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको पता है, आपको आपके यहाँ आने के पहले, जब आप यहाँ आए थे, आपको यहाँ आने के पहले, आप आने वाले हो उसका तैयारी कर लिए थे हम लोग, तभी तो आज आया, तो कहाँ बैठना है पूछते ऑफिस में बता दिया होगा, है ना? आप जैसे ही आज आया तो वो तुरंत पूछा होगा, अपना इनवॉइस दिखाओ, बुक्स ले लो, कॉपी ले लो, क्या क्या ले लो, ये मैनेजमेंट है। ठीक है, मिसमैनेजमेंट या नॉन मैनेजमेंट कब होता? जब आप आते तो आपसे पूछते, अच्छा आप क्यों, किस ले आए? बोले OM का क्लास करने है, तो OM का क्लास करने है, तो फिर वो उससे पूछे, OM का क्लास है आज? अच्छा OM का क्लास आज, ये क्या हुआ, नॉन मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट? कहां पे बैठना है? अरे बताओ, पूछो सर को कहां पे बैठाना है इनको, इनको कुछ देना है नहीं देना है, कुछ किसी को पता ही नहीं है। हाँ बुक देना है, बुक कहां पे है? जो स्टाफ है वो आपस में डिस्कशन कर रहा है, बुक कहां पे है, कहां से लाना है, एक जन को कितना बुक देना है, कौन सा बुक देना है, ये क्या हुआ, मिसमैनेजमेंट या नॉन मैनेजमेंट? और मैनेजमेंट माने सब चीज पहले से प्लान किया हुआ है, जिससे कि जो डे टू डे काम है उसमें कोई भी अड़चन ना आए। मैं क्लास में आता हूं उसके पहले मेरा सब सेटअप हो जाता है, ठीक। अब आते ही बस मुझे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलकर शुरू करना है, ये क्या है, ये मैनेजमेंट है, करेक्ट। आप जब एडमिशन के लिए फोन किए या फिर यहां पे आए, तो आपके आने के बाद हम थोड़ी सोचे, अच्छा OM भी पढ़ना है, अच्छा उसका फीस कितना, घर को सोच के बताते, हम पहले से तैयार करके रखे थे, OM पढ़ना है इस टर्म के लिए, शेड्यूल ये है, फीस ये है ना, इतना तारीख को चालू होगा, इतना तारीख को खत्म होगा, और कुछ जानकारी चाहिए तो बोलिए, फेस टू फेस में पढ़ सकते हैं, पेंड्राइव मोड में पढ़ सकते हैं। आपके आने के पहले सब तैयारी की हुई रहती है। आप एडमिशन, तो अच्छा समझ में आ गया एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेना है मतलब, अच्छा अब एडमिशन लेना है तो वेबसाइट में फिर क्रिएट करो या फिर यहां पे फॉर्म वॉर्म छपाने लेके जाओ, वो सब नहीं है, सब रेडी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर
मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो ऑपरेशंस चलेगा ही नहीं, डे टू डे एक्टिविटी चलेगा ही नहीं, भिड़ंत होगा, आपस में क्लैश होगा, आदमी पजल हो जाएगा, जो स्टाफ है वो समझ नहीं पाएगा मेरे को करना क्या है, वो हर समय शॉक्ड रहेगा। समझ गए क्या? मैनेजमेंट का उनको ट्रेनिंग दिया जाता है तब ऑपरेशंस तरीका से चलता है, करेक्ट? कभी ऐसा सिनेरियो कुछ याद आता है? सोच के देखो कि कहीं गए थे और वहां भयानक मिसमैनेजमेंट चल रहा था, कुछ याद है? हुआ तो हो गए कभी ना कभी, मतलब जो होना चाहिए वो सब कहीं पर भी कुछ प्लेस पे नहीं है। कहीं याद आता है ऐसा? मुझे याद आता है, मैं एक बार यूजीसी का एक एग्जाम होता है नेट, सुने है क्या, मास्टर्स के बाद दिया जाता है, तो एक बार ये एग्जाम देने गया था। एक स्कूल है, नाम नहीं बोलूंगा, उसमें एग्जाम सेंटर पड़ा था और वो थोड़ा कलकत्ता के आउटस्कर्ट्स में था, बहुत दूर 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, और नाम का स्कूल, मतलब पहुंचा हुआ स्कूल है। अब जब हम लोग गए तो उनको मैनेजमेंट नहीं आता था, हम लोग गए तो सोचो वो था ना, स्कूल एग्जाम देने जाते हैं तो स्कूल में तो घुसने देगा, अंदर में खड़ा तो रहने देगा, इतना दूर से गांव-गांव से आदमी लोग आए, स्कूल में घुसने नहीं दिया, दूर कहीं मेन गेट है, मेन गेट के बाहर खड़ा रहो। फिर बोलता है स्कूल में यहीं पे सिक्योरिटी गार्ड आ गया, बोलता है यहीं से एडमिट कार्ड चेक करके जाने देगा, जो बैग वैग लेके आया वहीं रास्ता में फेंक दो या रख दो, ले जाने नहीं देगा बैग, मनी वॉलेट भी नहीं ले जाने देगा, टिफिन भी नहीं ले जाने देगा, कुछ नहीं ले जाने देगा। अरे भाई हम लोग तो क्लासरूम के बाहर रखते हैं, अरे पूरा दिन एग्जाम देंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे तो, पैसा वैसा गुम हो गया तो घर कैसे जाएंगे यहां से, रास्ता में कौन निगरानी रखेगा? बोला वो सब हम लोग को नहीं मालूम। अंदर इमेजिन करिए गए जब, तो ये यहां पर कैसे तैसे, फिर मतलब जब सब पेरेंट्स भी थे, सब स्टूडेंट सब रिवोल्ट किए, तो बोले अच्छा ठीक है अंदर लेके जाओ। फिर अंदर में फिर एक सिक्योरिटी गार्ड का रूम था, उसमें सब चीज को रखवा दिया, तो यहां से बाहर नहीं जाएगा, यहां तक मेन गेट से यहां लेके। और वो भी डिसीजन कब लिया गया, जब हम लोग हल्ला चल्ली किया तब। इसको बोलते हैं मिसमैनेजमेंट या नॉन मैनेजमेंट। फिर यहां से जब स्कूल का मेन बिल्डिंग में घुसा रहे, तो बोला टिफिन तो ले जाने नहीं देगा, खाना है तो बाहर भी नहीं आने देगा, बोला तो खाएगा कैसे, बोला अंदर कैंटीन है, पैसा खर्चा करके खाना होगा, हम तो पैसा लाया ही नहीं खाने के लिए, बोला नहीं पता तो भूखा रहो। ठीक है भाई चलो देखते हैं क्या होता है, मजबूरी है जाना होता है एग्जाम देने। ऊपर गए, कौन सा रूम में बैठना किसी को नहीं पता, दादा कौन सा रूम में बैठना है, सर कौन सा रूम में बैठना है, बोला मालूम नहीं है, अभी देखिए कहीं नोटिस लगेगा, हम लोग को भी नहीं मालूम है। अब रूम में बैठ गए, एक रूम में मल्टीपल सब्जेक्ट का स्टूडेंट लोग बैठ गया, किसको कौन सा पेपर देना है, मतलब किस रूम में कौन सा पेपर देना है वो मालूम नहीं है। एडमिट कार्ड में साइन कराने आता है, किस रूम में कौन सा फॉर्म जाएगा किसी को मालूम नहीं है, सब एक दूसरे को मिला के एग्जाम इनविजिलेटर लोग भिड़ंती करे, तोरो छे, और आके चिल्ला चिल्ली करके बात करे, एग्जाम में बच्चा लोग कॉन्सेंट्रेट करके एग्जाम देगा कि वो लोग का चिल्ला चिल्ली सुनेगा। सोचिए मेरा पर्सनैलिटी ऐसा है कि मैं कभी जोर से किसी को नहीं बोलता, मुझे इतना गुस्सा आ गया कि हम जाके खड़ा होकर चिल्ला दिया तो चाचामीची कर लेगा ना चुलबे ना, क्योस कर दिए छिन, तब जाके लो हाँ ठीक है। मतलब उस एग्जाम के बाद तो मैं उसमें तो ऑफकोर्स पास नहीं हुआ, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया ही नहीं, मतलब छोड़ो सरकारी एग्जाम क्या देना है। समझ गए, मतलब मिसमैनेजमेंट होगा ना तो ऑर्गेनाइजेशन शायद बंद हो जाए। मेरे को तो इतना मन में आया कि यूजीसी का चेयरमैन को चिट्ठी लिखे, कमिश्नर ऑफ, मेरे एक दोस्त है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ पुलिस में भी है, उनको जाके बोला बोलिए अभी चिट्ठी लिख के फॉरवर्ड करते हमारा भी स्टाम्प मार दीजिए, ऐसा आपको तकलीफ हुआ तो, मतलब वो लोग एक्नॉलेज कर देंगे तो थोड़ा तो कहीं ऊपर तक जाएगा,
नहीं नहीं ऐसा कुछ मेरे को करना नहीं, बट उसके बाद सच बता रहे मन ही नहीं किया कि एग्जाम दे। क्यों? क्योंकि इतना मिसमैनेजमेंट देख लिया, सारा दिमाग में जो स्टोर करके गए थे सब भूल गए। तो मिसमैनेजमेंट होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कि नहीं चलेगा डाउटफुल है। आप ही रोज आके अगर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब कौन सा क्लास में जाना, आपको यहाँ पे पता ही नहीं रहा कोई, जो चीज चाहिए किसी को नहीं पता है, कुछ से पूछो बोले नहीं मालूम, या कोई खोजने जाता है तो वो गलत चीज उठा के लाता है, तो आप ही फ्रस्ट्रेट होकर बोले क्या यार बेकार इंस्टीट्यूट ले जाओ, छोड़ दो इससे अच्छा पढ़ाई है कि नहीं। तो मैनेजमेंट हैज टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट, दैट्स हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन रन। मैनेजमेंट का बहुत सारा डिमेंशन है, मैनेजमेंट बहुत जगह काम करता है ना। मैनेजमेंट के रोल में ह्यूमन रिसोर्स आता है, मैनेजमेंट के रोल में एडमिनिस्ट्रेशन आता है, अकाउंटिंग आता है, फाइनेंस आता है, कॉस्टिंग आता है, टैक्सेशन भी आता है। तो ये सब अलग अलग सब्जेक्ट हमने बना दिया आपका, बट ये डे टू डे जॉब जो है मैनेजमेंट का, उसको लेके ये सब्जेक्ट बना है। इसको जानो, इसको मैनेज करना सीखो, इसमें कितने सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं उसको सीखो। इसका फायदा ये जरूरी नहीं कि नौकरी करने जाएंगे तो इंटरव्यू में पूछेगा, इसका फायदा ये कि कोई भी काम करेंगे उसमें डे टू डे मैनेजमेंट तो समझना ही पड़ेगा ना। इवन घर भी जाते हैं दोस्तों, तो घर में भी किचन में मैनेजमेंट चलता है। आप जाते हैं तो टिफिन घर से जाते हैं जब, तो टिफिन बना हुआ मिल जाता है, लेके जाना है खाली, करेक्ट। घर जाते हैं तो खाली खाना बनाने का दे रहे या फिर बना हुआ है खाने का दे रहे, बाकी सब तो तैयार किया हुआ है, सब चीज रनिंग रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी कि आप जाएंगे तब जाके सिलेंडर ऑर्डर किया जाएगा इंडियन ऑयल से, तब जाके भैया सब्जी भी आपको भूख लगेगी तब सब्जी मंगाया जाएगा, ठीक है। आपको भूख लगी तब उतना चावल लेके आएंगे, आपको भूख लगी तो आप बर्तन खरीदने जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है, पहले से सब कुछ सेट है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, करेक्ट। इंपॉर्टेंट समझा रहा था। एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बोलते हैं ऑपरेशंस, एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम को संभालने को बोलते हैं। मैं लिखा दूंगा आप एक बार समझ लो, ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम संभालते हैं तो उसको बोलते हैं ऑपरेशंस। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये पूरा मिला के सिस्टम बनता है। मतलब आपको अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह सोचना है तो कैसे सोचना है कि मेरा इनपुट क्या होगा, कहां से आएगा, कहां रखूंगा, कैसे रखूंगा, प्रोसेस वो कैसे होगा, कितना भाग में होगा, किसके बाद क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, कौन मैनेज करेगा, प्रोसेस का जगह कहाँ होगा, ज्योग्राफिकल एरिया क्या होगा, तो मतलब पटना में, बिहार में, बंगाल में, कहाँ पे होगा, फिर उस जगह के अंदर भी अलग अलग मशीन कैसे सजाना होगा, फिर प्रोसेस करने के बाद आउटपुट कैसे डिस्पैच होगा, कौन लेके जाएगा, क्या खर्चा पड़ेगा, और वो सब पहले से प्लान करके रखेंगे, जिससे कि सब चीज ऐसा लगे कि आपके लिए ही, कस्टमर के लिए वो तुरंत बैठा हुआ ही था, आते ही खड़ा खट करके दे दिया। पहले से सब कुछ तैयार रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसको करने के लिए कितना सारा चीज सीखना है, वही एक्चुअली ये सब चैप्टर्स है। आपको कितना सारा चीज सीखना है, यही चैप्टर्स है, जिससे कि जिस चीज की जब जरूरत हो तब वो मिल जाए, जिस चीज की जब जो जरूरत हो वो रेडी रहे, उस समय छटपटाना ना पड़े कि अभी कैसे होगा, डे टू डे काम में कोई अड़चन ना आए। जरूरी नहीं है कि जब यूज हो तब आप एक्टिवेट हो, यूज ना भी हो रहा हो तो भी उस चीज का उतना ही ध्यान रखा जाए कि कभी भी यूज आए तो, ठीक है, कभी भी यूज आए तो। जैसे देखो यहां पे ये क्या है, आपको लग रहा है, समझ में आता है कि क्या है, व्हाट इज दिस,
क्या लगता है, गेस वर्क करो ना, क्या है? हाँ, ये एक स्कैनर है, इसमें कैमरा इधर नीचे हाथ रखेंगे तो उधर आपको हाथ दिखेगा, जो नीचे रख देंगे वो दिखेगा, विजुअलाइजर बोल सकते हैं इसको, बहुत सारे टीचर इसे पढ़ाते हैं। तो हम लोग ये टेक्नोलॉजी बस एक ऐसे ही स्टैंड बाई के लिए रखा हुआ है, कभी जैसे मेरे को FM का बैच में कैलकुलेटर दिखाना होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं इसे दिखा देता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, तो बच्चों को दिख जाता है सर कौन सा बटन दबा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लाया, साल में 7-8 दिन यूज करते हैं, रखा रहता है साल भर यहां पे। ठीक है, तो रखा रहता है इसका मतलब ये चालू है कि बंद है? हाँ चालू है, बंद होता तो उठा के रख देते कहीं, चालू है। अब चालू है मतलब यूज 7-8 दिन ही करना है साल में, अगर तो उसको जिस दिन यूज होगा उस दिन देखे कि हम पीरियोडिकली देखते रहे, चेक करते रहे कि चालू है कि नहीं, पीरियोडिकली चेक करते कि चल रहा है कि नहीं, पर लगा के तो देखो कि जिस दिन जरूरत पड़ेगा पता चला उस दिन नहीं चल रहा है, जिस दिन जरूरत पड़ा उस दिन नहीं चल रहा है तो मैनेजमेंट नहीं हो पाया, जिस दिन जरूरत पड़ा उस दिन चालू हो गया, मतलब सब झकास मैनेजमेंट है। बट ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट 100% फुल प्रूफ होता है, मैनेजमेंट में एरर हो ही सकते हैं। अब सब कुछ करने के बाद भी आपके सामने जब लगाया उस समय फेल हो गया, सब चीज करते हैं फिर भी हो ही सकता है, तो ऐसा होगा तो उसका अल्टरनेट क्या करना पड़ेगा? हाँ, कोई इसका बैकअप क्रिएट करिए, कोई अल्टरनेट तैयार करिए, या फिर आप अपना पढ़ाने का तरीका में भैया ऐसे ऐसे करके पढ़ाइए, कुछ और तरीका लगाइए, मतलब अल्टरनेट भी रखना पड़ेगा। फिर उस समय अरे आप तो ये हो गया, आप तो आज का क्लास कैंसिल, वो नहीं होना चाहिए। मिसमैनेजमेंट और अनमैनेजमेंट माने हम ये नहीं बोल रहे कि आपको मैनेजमेंट आता नहीं, हो सकता आपको मैनेजमेंट आता है बट एरर हो गया, हम बोल रहे एरर भी अलाउड है, बट एरर हो गया तो उसके बाद आपने कैसे उसका बचाव बना रखा है, उस समय सरेंडर नहीं होना है, सरेंडर हो जाते हैं तो मिसमैनेजमेंट। समझ गए, एरर हुआ मिसमैनेजमेंट है ऐसा मत सोचना, एरर इज अनअवॉइडेबल, ओके, बट एरर के बाद आपने ऑल्टरनेट कुछ बना रखा है तो वो आपका मैनेजमेंट है, करेक्ट। तो दोस्तों आपको एक ओवरव्यू मैंने पूरा समझा दिया कि OM क्या है, ये आपका एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मार्क्स आप ला सकते हैं, कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, बट अभी तक मैं जो अब बताया मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको लिखा दूं इंट्रोडक्शन बोल के। जब आप कॉपी में जाओगे तो कॉपी में कुछ नियम कायदे हैं कॉपी बनाने के, आपको देखिए जो कॉपी मिला हुआ है उसमें इंडेक्स, कॉपी नहीं मिला तो वही यूज करो, कॉपी खोलने में थोड़ा ऐसा लगता है ना नया कॉपी। हाँ, फोल्ड क्यों करना है? अच्छा, कॉपी में देखिए एक इंडेक्स का जगह बना हुआ है ना, जो जितना अच्छा से इंडेक्स बना लेता है ना उसका रिवीजन उतना इजी हो जाता है। तो इस इंडेक्सेशन को बहुत अच्छा से मैं जैसे जैसे बताऊं भरते रहिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज CMA स्टूडेंट्स के लिए क्या है? डे बिफोर का रिवीजन, मानते हो ना? हाँ, कुछ लोग होंगे क्या, ग्रुप 1 दिए क्या आप लोग, इस को लॉट है तो डे बिफोर रिवीजन का प्रेशर समझ में आया ही होगा, बट इंडेक्सेशन अच्छा से किया होता है तो उसमें बहुत समय बचता है। जैसे मैं सिखाऊं वो मेरा सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में करना है, ओके? तो इंडेक्सेशन में पहले आप लिख लीजिए नंबर 1 इंडेक्स में, पहला चीज अभी लिख लीजिए 3-tier प्रिपरेशन मॉडल। थ्री टीयर प्रिपरेशन मॉडल, ओके। अब आप मेन पेज में आ जाइए, ये सब जो
कॉपी के आगे में बहुत सारा नोट्स दिया हुआ, उसको समय जब मिले, टाइम पास जब करना हो तो पढ़िएगा। हाँ, फर्स्ट पेज में ये हेडिंग दीजिए, 3-tier प्रिपरेशन मॉडल। कॉपी में पेज नंबरिंग मेंटेन करेंगे, जब जब कोई ब्लैंक पेज में स्टार्ट किया तो पेज नंबर 1, पेज नंबर का जगह बनाया हुआ है ना वहां पे, वो फिलअप करते ही रहना। घर में छोटा भाई बहन मम्मी, उनको थोड़ा काम दे दीजिएगा, आज के हमारे खाता टिक टू पेज नंबर टा लिखे था तो पसे पसे, ठीक है, 1-2-3 करके बोला पूरा टा लिखे देवे। थ्री टीयर प्रिपरेशन मॉडल। टीयर 1 में क्या बताया सर ने, एक बार कब पढ़ाई होगा, सर के साथ क्लास किया, ट्यूशन में, क्लास वर्क, होमवर्क, और एक सर ने क्या बोला, पास पेपर आफ्टर एवरी चैप्टर। ये हुआ लेवल 1। फिर आ रहा है टीयर 2। टीयर 2 में सर ने क्या बोला था, कब होगा ये, 1 month बिफोर एग्जाम। उसमें क्या पढ़ोगे, उसमें क्या पढ़ोगे, हाँ, 1 month बिफोर एग्जाम में जो सर ने नोट्स लिखाया वो सारा नोट्स रीडिंग होगा। मैं तो बोलूंगा उसको मेमोराइज करोगे, मेमोराइज करोगे, वैसे जरूरत नहीं पड़ता मेमोराइज करने का, बट भूल गए होंगे तो याद रखना है, अंडरस्टैंड करके या रट के, जैसा भी हो, मेमोराइज करने का तरीका एक रट के और एक समझ के, समझाने का काम तो सब हो ही जाएगा, तो जैसा भी हो याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, सारा क्वेश्चन सॉल्व, ईच क्वेश्चन, ओके, इसी दौरान 1 month बिफोर एग्जाम में सारा ऑब्जेक्टिव सारा पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी करोगे तो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद करोगे, क्वेश्चन पढ़ के अपने आप आंसर अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट योरसेल्फ एंड चेक विद द आंसर, अटेम्प्ट योरसेल्फ एंड चेक विद द आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद जो थ्योरी है जो मैंने दिखाया, ज्यादा ज्यादा 15 mark का करना पड़ सकता है, ठीक है, जो आपका मैट में कौन सा पार्ट में है, मैट में देखो कौन सा पार्ट में हो, पार्ट 2 में है, उसको समझा दिया गया होगा, इसका आपको वीडियो एक्सेस अलग से दिया जाएगा उस समय वापस रिवाइज करने के लिए, तो वीडियो एक्सेस से भी उसको देख के वापस से समझ सकते हैं। ये थ्योरी भूल जाता है इंसान, जितना ही क्लास में समझा लो वो फिर भूल जाएगा, तो जब तक एग्जाम आपका खत्म नहीं होगा थ्योरी का वीडियो एक्सेस आपको मिलेगा, एग्जाम तक आप उसको वापस सुन सकते हैं अगर कहीं पे भी अटक गए हो तो, ठीक है। फिर टीयर 3 में क्या होगा, अगर इस टीयर 2 में, मैं तो सजेस्ट करता हूं अगर टाइम बचा हो तो मॉक टेस्ट भी जरूर देना, एक 1 full मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट SGC में भी होता है, मंथ बिफोर का एक शेड्यूल निकलता है, बट वो मॉक टेस्ट जनरली हम लोग थोड़ा सा पहले करा लेते हैं, मतलब आपका 1 month बिफोर एग्जाम जो मैं लिखा हूं इसके पहले करा लेते हैं थोड़ा मॉक टेस्ट, तो ऑब्वियसली आप इस मॉक टेस्ट में हो सकता है 100% जितना तैयारी करना चाहिए उतना नहीं कर पाए, बट फिर भी सजेस्ट करते कि मॉक टेस्ट देके देखो, इसमें अगर 50 आ गया तो एग्जाम में 70 आएगा, क्योंकि एग्जाम में तो और अच्छा प्रिपरेशन करके जाओगे, मॉक टेस्ट देने से पूरा तैयारी कितना अभी तक हुआ हुआ है वो सब समझ में आ जाता है। SGC में भी होता है मॉक टेस्ट, उसका फायदा उठाएंगे। टीयर 3 हो गया डे बिफोर एग्जाम।
डे बिफोर एग्जाम में थ्योरी नोट्स को, ईच चैप्टर का दो बार पढ़ना है, फिर क्वेश्चन रीड करना है, रीड क्वेश्चंस एंड थिंक ऑफ इट्स स्टेप्स, उसका स्टेप्स कैसे है वो सब रिकॉल करना है, सॉल्व अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन हुआ तो उसको करना है, ऑब्जेक्टिव को सारा वापस करना है। ठीक है, तो ये थ्री टीयर प्रिपरेशन मॉडल है, लास्ट में भी बोलेंगे, फर्स्ट में भी बोल दिया है, भूलना नहीं, यही डायरेक्शन है हमारा, अल्टीमेट मोटिव है एग्जाम में ऐसे बढ़ के आगे जाना। यहीं पे लिख दीजिए माय टारगेट, ये लिख के रखिए, बड़ा बड़ा, आया नहीं आया बाद में देखेंगे वेरिएंस कितना आया, 80 प्लस लगेगा हम लोग को, 40 50 60 का बात नहीं है हमारे लिए। अरे भैया तारे सोचोगे तो चांद पे तो गिरोगे, चांद सोचोगे तो धरती पे रह जाओगे, और धरती सोचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 80 सोचोगे तो 60 तो आएगा, 60 सोचोगे तो 40 आएगा, और 40 सोचोगे तो जून के बाद दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद जून आएगा। भैया देखिए, आपका जो उद्देश्य है वही मेरा उद्देश्य है, आप भी चाहते हैं अच्छे नंबर से पास हो, हम भी यही चाहते हैं, इसलिए आपको कहीं भटकाएंगे नहीं, आपको जो बताएंगे उससे आपका काम बनेगा। सेकंड में लिखिए, इंडेक्स का सेकंड नंबर, सब्जेक्ट का वेटेज, सब्जेक्ट का वेटेज कॉपी में आ जाइए, सब्जेक्ट वेटेज कंटिन्यू भी कर सकते हैं, नीचे जगह है तो, नहीं तो नेक्स्ट पेज में जाइए, पेज नंबर आप इंडेक्स में लिख देंगे तो ओएम पेपर कितना मार्क का सेट होता है, 86 दिखाया था ना अभी, अटेम्प्ट कितना मार्क्स का करना है, 70, मार्क का ब्रेकअप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स 22 मार्क्स, पूरा थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव 64 मार्क्स है ना, 16 × 4 था ना, 4, जिसमें से अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट एनी 3, इस एनी 3 में थ्योरी कितना दिखाया था, 15 मार्क का दिखाया था, रफली 15 मार्क मान लीजिए, और रिमेनिंग प्रैक्टिकल हो गया जो हो गया 49 मार्क्स का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टोटल थ्योरी 37 और प्रैक्टिकल 59, 86 मार्क्स आ गया, प्रैक्टिकल 49, सॉरी 37/86
43% हो रहा है, जिसको आप अप्रोक्स मान सकते हैं 40%, और इसको 60% मान सकते हैं। 100% हो गया। थ्योरी टेक्स लेस टाइम देन प्रैक्टिकल। And is of high weightage, specially objectives. तो objective में कोई compromise नहीं चाहिए मेरे को, बाकी वो 15 mark का आगे पीछे आप कर लेंगे, हमको कोई उतना problem नहीं है। मन से भी लिख सकते हैं, वो एक बार मेरा class किया होगा तो भी मन से लिखा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव मन से नहीं हो सकता, इसलिए उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। थ्योरी टेक्स लेस टाइम देन प्रैक्टिकल एंड इज ऑफ हाई वेटेज स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका सब्जेक्ट वेटेज। थर्ड नंबर आइए, सब्जेक्ट ओवरव्यू। इंडेक्स भी बनाइए, सब्जेक्ट ओवरव्यू, पेज नंबरिंग कर लीजिएगा। ऑपरेशंस और मैनेजमेंट, ऑपरेशंस माने हो गया डे टू डे एक्टिविटीज। जो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, दूसरा हो सकता है रेंडरिंग सर्विसेज। मैनेजमेंट माने हो गया एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, फिर इधर आ गया एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर आप बोल सकते हैं स्मूथ फंक्शनिंग। या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्मूथ फंक्शनिंग। ठीक है, इट मींस मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दैट कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट।
इनपुट सिस्टम आउटपुट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट सबसे प्रिंसिपल काम है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन मैनेजमेंट का कि आपका कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसको कहीं तकलीफ नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। मैंने आपको दो तीन एग्जांपल दिया ना मिसमैनेजमेंट का, क्या हो सकता है। तो सबसे ज्यादा उसमें परेशान कौन होता है, कस्टमर ही होता है, ठीक है। एंड दिस इज अचीव्ड थ्रू फोर फंक्शंस। यहां पे फोर फंक्शंस हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन लाने के लिए, चार काम करना होगा। मैन्युफैक्चर जैसा कस्टमर चाहता वैसा, ट्रांसपोर्ट लेके आने में और पहुंचाने में, जैसे इनपुट लाने में और आउटपुट पहुंचाने में कोई भी बाधा ना आए, कोई डिले ना आए, सेफली जाए। सप्लाई सप्लाई एक्चुअली ट्रांसपोर्ट और सप्लाई में ज्यादा फर्क नहीं है, ओके बट फिर भी दो अलग अलग नाम हम लोग बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट माने मूवमेंट हो गया, जो इंटरनल मूवमेंट भी हो सकता है, जैसे बहुत बड़ा फैक्ट्री है तो विद इन द फैक्ट्री भी गुड्स यहां से यहां मूव कर सकता है, ठीक है। बट सप्लाई माने हो गया आपका खरीदना, परचेज। परचेज जितना कॉस्ट एफिशिएंट हो पाए। सप्लाई अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं है ना तो कभी भी ऑर्डर टाइम पे मीट नहीं होगा। अच्छा, सप्लाई माने परचेज हो गया, तो ट्रांसपोर्ट माने क्या हुआ, इंटरनल भी हो गया बट एक्सटर्नल भी हो गया, इंटरनल मूवमेंट भी हो गया एक्सटर्नल भी हो गया, मतलब अच्छे से लेके आना, अच्छे से लेके आना और अच्छे से पहुंचाना। सप्लाई के बाद सर्विस, सर्विस माने आफ्टर सेल्स। ठीक है, सर्विस माने आफ्टर सेल्स, ओके। सो जब आप ये चारों चीज पे ध्यान देते हैं तो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन आता है। मैन्युफैक्चर में जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है उसकी बात होगी, ट्रांसपोर्ट में गुड्स लेके आना लेके जाना, ओके और इंटरनली भी कैसे मूवमेंट हो रहा है। सप्लाई मतलब परचेज और सर्विस माने आफ्टर सेल्स। सब चीज अगर अच्छे से है तो वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। अब इन सब को अचीव कर पाने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है जो अलग अलग चैप्टर बन के आपके सामने आएंगी, ओके। सो ये एक बार के लिए ओवरव्यू भी खत्म हुआ। आइए यहां पे आप एक लाइन लिख दीजिए, वी लर्न सेवरल
टेक्निक्स, मेथड्स, एंड टूल्स दैट इंश्योर्स स्मूथनेस इन अबव फोर फंक्शंस, दैट इंश्योर स्मूथनेस इन अबव फोर फंक्शंस. जरूरी नहीं है ना सारा टेक्निक्स एक ही कंपनी में काम आएगा, जब जिसके जो काम आएगा वो उसको यूज करेगा. ठीक है, ओके. सो ये खत्म हुआ हमारा पूरा तरह से आपका सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन. सो लेट मी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर. ये जो मैं लिखता हूं ना, कभी हो जाए आपका नोट्स वोट्स मिस हो जाए फॉर एग्जांपल, तो आपको परवाह नहीं करना उतना, ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? अपना एसजेसी वेबसाइट में जाएंगे, आपका यूजर आईडी बना हुआ है ना, लॉगिन करेंगे तो माय डैशबोर्ड आ जाएगा एक. उस डैशबोर्ड मेनू में जाके आपको क्लिक करने से माय कोर्सेज मिलेगा. उस माय कोर्सेज में आपको ये वाला बैच मिलेगा जिसमें आप सब्सक्राइब किए, ठीक है. उसमें जाके आपको एक बटन दबाना पड़ेगा, क्लास स्लाइड्स, ठीक है. तो क्लास स्लाइड्स बटन दबाओगे तो आपको जो भी क्लास स्लाइड वहां पे अपलोड हुआ होगा हम लोग करेंगे, वो आपको वहां डाउनलोड होके मिल जाएगा. और वहीं पे एक बटन आएगा गो टू कोर्स. ये गो टू कोर्स बटन में अभी कुछ नहीं है, कभी कोई होमवर्क का सोल्यूशन, कभी कोई वीडियो रिवीजन पर्पस के लिए, वो सब डाला हुआ रहेगा, ठीक है. जैसे थ्योरी का मैंने बोला ना एक्सेस मिलेगा आपको, वो यहां पे मिलेगा. इस चीज का ध्यान रखिएगा, वेबसाइट में लॉगिन कैसे करते क्या करते. दूसरा, आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे सब्सक्राइब हो चुके हैं क्या? नहीं हुए तो आपके पास जब आप एडमिशन लिए होंगे उसके तुरंत बाद एक मेल आया होगा, उस मेल में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ओएम बैच 20A नाम का. इसमें क्या होता है, ऑल इंडिया लेवल पे स्टूडेंट्स जब तक ये बैच हमारा एक्टिव रहता है तब तक उसमें ग्रुप में ज्वाइन करते हैं. अगर कभी क्लास में कोई ऐसा क्वेरी आया या होमवर्क में क्वेरी आया जो सर से आप नहीं पूछ पाए, तो वहां ग्रुप में पोस्ट करके ग्रुप के ही मेंबर्स उसको सॉल्व कर देते हैं. जैसे इसने पोस्ट किया, दूसरा ने देख लिया, उसको आंसर आता था तो वो उसको बता देगा. वैसे कभी इसको आंसर आता था, किसी और ने पोस्ट किया, ये इसको बता देगा. ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना. बस आपको भी यही है कि जो चीज किसी को एक बार सिखा देते हैं ना वो हमेशा के लिए याद हो जाता है. हम लोग को पूरा सब्जेक्ट क्यों याद है? क्योंकि हम लोग इतना बार इसको सिखा चुके हैं कि सब्जेक्ट याद है. तो आप भी अगर किसी को सिखा दोगे ग्रुप में तो इस बहाने आपको भी सब्जेक्ट याद हो जाएगा. सो अगर कुछ भी आता हो ग्रुप में, हम भी अगर कभी कोई अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट भेजेंगे तो वो भी ग्रुप में ही डालेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में. कोई मेरे से क्वेरी पूछना हो तो टेलीग्राम में नहीं सॉल्व होगा. मेरे से क्वेरी पूछना है तो उसका अलग प्रोसेस है. क्लास में आप आएंगे, जो लाइव क्लास वाले हैं वो लाइव में पूछ लेंगे, जो पेनड्राइव वाले होते हैं या जो वीडियो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए एक डेडिकेटेड टाइम है जो अगेन ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है. एक और टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, उसका नाम है एसजेसी इंस्टीट्यूट अपडेट्स, ठीक है. इसको भी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा. इसमें जनरल अपडेट आता रहता है, इंस्टीट्यूट खुला है कि बंद है, बैकअप आज होगा कि नहीं होगा, ठीक है. और भी नया बैच कुछ सब्जेक्ट का कब चालू हो रहा है, कुछ प्रोग्राम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब अपडेट इधर मिलेगा. तो इसको भी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा. किया हुआ है आप लोग? हाँ जी, कौन लोग नहीं किया हुआ अभी तक?
नहीं किया हुआ है, सब कर लीजिएगा, नहीं हो रहा हो तो ऑफिस में पूछ लीजिएगा, मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा, SJC का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सब्सक्राइब कर रखा है क्या, SJC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल? क्योंकि बहुत सारा, जैसे आप जब आपको कुछ पढ़ाया, अगर मेरे को कुछ अच्छा लगा तो मैं उसको कट करके यूट्यूब में डाल ही देता हूँ, तो ऐसे बहुत बार रिविजन वीडियोज वगैरह भी मिल जाते हैं, और भी दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोस उसमें आते रहते हैं, तो इनडायरेक्टली आपको उधर का भी फायदा मिलते रहेगा। फेसबुक पेज में भी वो वीडियो जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई चीज फेसबुक में गया यूट्यूब में नहीं गया, ऐसा होता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और एक फोर्थ नंबर हमारा यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, एक नंबर है 8100112222, लिखा हुआ मिल जाता है, बट क्या है कि कॉपी में तो अभी देख लिया, और जब जरूरत होगा तो उस समय हाथ में कॉपी नहीं होगा ना, इसको मोबाइल में जरूर सेव करके रखेंगे SJC इंस्टीट्यूट के नाम से। ये नंबर व्हाट्सएप के लिए है, सिर्फ व्हाट्सएप, अगर SJC को व्हाट्सएप में कोई अपडेट भेजना है आपके, या आपको व्हाट्सएप में SJC से बात करना है, तो आप इस पे बात करेंगे फॉर व्हाट्सएप। अगर सेव नहीं है तो नोट कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए। और लैंडलाइन नंबर है 4033405938000, ठीक है। आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो प्रेस करना पड़ेगा 2, न्यू स्टूडेंट होने से प्रेस 1, तो 2 में बात कर सकते हैं आप, किस मैटर में आपको बात करना है करके। न्यू स्टूडेंट है तो प्रेस 1, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो प्रेस 2, फिर ऑप्शंस आएगा। तो कभी कोई क्वेरी हो कि इंस्टीट्यूट बैच खुला है नहीं है, कुछ भी है जिसका अपडेट टेलीग्राम में नहीं दिखा, व्हाट्सएप में नहीं दिखा, SMS नहीं आया, तो इधर या इधर पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी अगर कभी फोन में बात नहीं हो रहा है, जैसे ये फोन का एक वर्किंग टाइम है मंडे टू सैटरडे 10 AM to 7 PM, उसके आगे पीछे अगर कुछ याद आया, अब किसी से बात नहीं हो रहा है, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ईमेल करके छोड़ देंगे care@sjc.co.in में अपना सारा डिटेल बता के, तो वहां से कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। सो सब चीज का प्रोसेस बना हुआ है, मैनेजमेंट किया हुआ है, अब आपको बताना भी जरूरी था जिससे आप इसका फायदा उठा पाए। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट का? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इधर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो आप कुछ भी सोचे उसके पहले हम उसका मसला निकाल चुके हैं, ठीक है। बट आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको मिसमैनेजमेंट लगेगा, ठीक है। अब आप 7 बजे के बाद फोन पे फोन करोगे, कोई उठा नहीं रहा है, आपको अगर विरक्ति हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, तो आपको बता दिया ना, बियॉन्ड दैट आपको इधर आना पड़ेगा। अब आप ये नहीं सुनोगे तो आपको फिर मिसमैनेजमेंट जैसा महसूस होगा, ठीक है। मिसमैनेजमेंट मिसकम्युनिकेशन से भी महसूस होता है, इसलिए हम कम्युनिकेशन को कमजोर नहीं रखना चाहते थे, पूरा प्रोसेस बता दिया। और क्लास व्लास है कि नहीं है ये सवाल कृपया कभी ना पूछे, आप ऐसा मान के चलें कुछ खबर नहीं आया तो क्लास तो है ही है। कुछ भी, कितना भी आपातकालीन परिस्थिति आ जाए, ममता दीदी कहीं पर भी कर्फ्यू लगा दे, ठीक, कुछ भी रैली वैली निकल रहा हो, बहुत बारिश हो रहा हो, क्लास तो है यही है, ये मान के ही चले। अगर नहीं होगा तो एक दिन पहले खबर आएगा, मतलब एटलीस्ट 12 आवर्स पहले, यहाँ का पॉलिसी है कि बच्चों को इन्फॉर्म किया जाए, नहीं तो आपको हर जगह अपडेट कर दिया जाएगा, फेसबुक में या टेलीग्राम ग्रुप तो सबसे पहला प्रायोरिटी पे रहता है हमारा, कि स्पेसिफिकली अगर मुझे OM के बैच को कुछ खबर करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे खबर करते हैं, फिर SMS भी करते हैं, ठीक है। तो वो सब का आप चिंता न करें, जस्ट यू फॉलो व्हाट वी गाइड यू, ओके।